हाय गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज हम लोग दोबारा से खेलने वाले हैं, दोबारा से नहीं भाई, 4 महीने बाद खेलने वाला हूँ GTA 5। लास्ट वाले एपिसोड में क्या हुआ था जिसको नहीं पता है तो यार बता देता हूँ मैं आप सबको एक बार। मैं और मेरे जो दोस्त है ना टेक्नो गेमर्स, यानी कि माइकल और लेस्टर ने मिलकर एक प्लान बनाया था चोरी करने का। हमने उसको सक्सेसफुली चोरी भी कर दिया। एक बहुत बड़ा ज्वेलरी शॉप था, उसको चोरी करने का भाई साहब, उसको पूरा कम्प्लीटली। जैसे हम लोग भाग रहे थे चोरी करके भाई, उस समय ना हमारा जो एक गैंग का मेंबर था उसको गोली लग के वो गिर गया था। मेरे को लगा उस समय कि भाई वो मर चुका है, मेरे को और टेक्नो गेमर्स को, लेकिन वो मरा नहीं था। लेकिन उसको अरेस्ट करके लेके चले गए थे भाई, और वो बंदा मुंह खोलने के लिए रेडी हो चुका था, क्योंकि हमारे जो टेक्नो भाई है उनके पास है पुलिस के कपड़े और उनके पास है पुलिस की गाड़ी। तो भाई साहब उन्होंने जाके सीक्रेटली एक बंदा जो है उसका दोस्त है टेक्नो गेमर्स का, उसने बताया कि भाई ये रेडी हो चुका है कि पूरा सच बताने के लिए कोर्ट के लिए। लेकिन हम लोगों को अभी क्या करना है, उसको कोर्ट को जाने से पहले ही मारना पड़ेगा भाई साहब। अभी यहाँ से हम लोग जा रहे हैं, देख लीजिएगा यहाँ पर मैं गाड़ी रोक के खड़ा हूँ। भाई साहब कुछ भी कहो यार, ये जो मैक्लारेन है ना पुलिस की, भाई साहब इतना तेज़ भागती है भाई, कद्दू भी इसका कोई यहाँ पे दूसरी गाड़ी नहीं है पुलिस की जो इतना मदद कर सकती है अगर मैं भागूंगा तो भी वहाँ से। अभी मैं जा रहा हूँ टेक्नो गेमर्स के साथ पुलिस स्टेशन को, क्योंकि वहाँ से ना वो बंदा उधर ही है भाई, इसको बहुत गंदा पीटा गया है भाई, मेरे को टेक्नो गेमर्स ने बोला, क्योंकि उनका भी दोस्त जो है वो बोल रहा है उनको। भाई साहब ब्लेस्टर और मेरा भाई जो पठान है ना वो भी एक खतरनाक वाला वहाँ पे प्लान बना रहे हैं। अभी यहाँ से ना हम लोग एक सेफ जगह में आके रुक चुके हैं, यहाँ पे आ गई पुलिस है। हम लोग मॉर्निंग होने का वेट कर रहे हैं भाई यहाँ पे, क्योंकि यहाँ तक मैं छुप के आया हूँ, क्योंकि भाई साहब मेरा जो फेस है ना सब जगह आ चुका है, तो इसलिए मेरे को छुप के आना पड़ेगा। अभी यहाँ से ना टेक्नो गेमर्स जो है जा रहे हैं। ऑल राइट गाइज, यहाँ पे मैं आ चुका हूँ अभी पुलिस स्टेशन के लिए। भाई साहब यहाँ पे ऑलरेडी पुलिस आ चुकी है, बहुत सारी मिलिट्री भी आई है, बहुत सारी भी बोल सकते हो, कम भी बोल सकते हो भाई, इसको लेके जाने के लिए, क्योंकि इतना सेफली लेके जा रहे हैं ना इसको, क्योंकि उनको पता है भाई इसके दोस्त बचाने के लिए आएंगे। बचाने के लिए तो मैं कद्दू भी नहीं जा रहा हूँ, इसको मारने के लिए जा रहा हूँ भाई। कौन सा वो मेरा सगा दोस्त है भाई, इसलिए मैं उसको मारने वाला हूँ। अभी कद्दू लेने गया भाई, वो बंदा रेडी हो चुका है भाई बोलने के लिए, लेकिन इतना गंदा पीटा है ना भाई इसको, कुछ भी कहो यार बहुत ही गंदा पीटा है। अभी ये इस पहचाना नहीं है, ये माइकल को पहचाना नहीं है, तो इसकी वजह से ये जो है अभी आ रहा है हमारे पीछे। इन सबको भी कद्दू भी नहीं पता कि भाई मैं नकली पुलिस वाला बन के आया हूँ बोल के। भाई ये सब लोग सोच रहे कि रियल में आया है बोल के। जो रियल का जो बंदा था ना पुलिस, उसको ना लेस्टर ने अगवा कर लिया, तो इसकी वजह से हम लोग यहाँ पे। भाई लेस्टर का दिमाग एकदम नेक्स्ट लेवल वाला चलता है भाई। यहाँ पे सामने कोई तो भाई साहब खतरनाक वाली गाड़ी खड़ी है पुलिस की, और साथ ही साथ यहाँ पे लैम्बर्गिनी अवेंटाडोर या तो सियान तो नहीं है, ये अवेंटाडोर खड़ी है भाई साहब, खतरनाक वाली गाड़ियों में आए हैं ये भी भाई साहब। यही है जनरल पुलिस वालों का, ये लेके जा रहा है भाई पूरी सेफ्टी से कहाँ पे हम लोगों को मरवाने के लिए भाई साहब, कोर्ट के लिए लेके जा रहा है, क्योंकि ये जो बंदा है कोर्ट में गवाही देने के लिए रेडी हो चुका है ना। इसलिए अभी मैंने यहाँ पे बात कर लिया है पुलिस वाले को, वो कहे कि यहाँ पे इसको लेके जाने के लिए, ये यहाँ पे जाके बैठ जाएगा। अभी ये बंदा है ना भाई साहब जाके बैठ भी चुका है भाई। भाई साहब यहाँ से इसको मारना नामुमकिन है भाई साहब, इतनी तगड़ी सिक्योरिटी भाई। भाई साहब सामने एकदम नेक्स्ट लेवल वाली यहाँ पे भाई आर्मर गन जा रही है भाई साहब, इसको कुछ तो दिखा भाई, ये भाग रहा है भाई साहब, डोर डाल लो यार। भाई साहब उसको मुक्का लग गया यहाँ पे, मुक्का नहीं भाई डैश मार दिया है। लेकिन पीछे वाला जो बंदा है भाई वो भी यहाँ पे आर्मर गाड़ी उठा के लिए, लेकिन उसके बीच में यहाँ पे भाई मैं आ चुका हूँ पठान, यानी कि
यानी कि फ्रैंकलिन का भाई, भाई साहब यहाँ पे ना ऑलरेडी जो पुलिस है ना वो आ चुकी है कोर्ट रूम के पास। यहाँ पे मेरा दोस्त जो है जाके मेरे को यहाँ पे फोटोज भेजने वाला है, क्योंकि यहाँ पे पूरा का पूरा कर्फ्यू लगा चुका है भाई। यहाँ पे भाई साहब मैं कैमरा निकाल के दिखाता हूँ आपको कि क्या ही खतरनाक वाले स्नाइपर्स के साथ भाई साहब, 3 स्नाइपर है भाई सामने। यहाँ पे इतनी तगड़ी भाई पुलिस, भाई क्या ही खतरनाक बना के रखा है भाई, सच में नेक्स्ट लेवल वाली यहाँ पे है भाई पुलिस और सिक्योरिटी। सो अभी मैं यहाँ पे भेज चुका हूँ पठान को पूरे के पूरे फोटो जितने भी लिए थे भाई। यहाँ से अभी ना वो बंदा संभाल लेगा, मैं जा रहा हूँ भाग के यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी हो सकता है भाई साहब। यहाँ पे मेरे को मिल चुके हैं सारे के सारे फोटोज़। अभी मैं दिखाता हूँ एक बार जूम करके आपको, ये जो बिल्डिंग दिख रही है ना उसके पीछे में है भाई, कद्दू भी वहां तक नहीं दिख रही है इसमें। भाई साहब मैं यहाँ से जा रहा हूँ ये आर्मर्ड हेलीकॉप्टर लेके इनको उड़ाने के लिए। भाई मैं कद्दू भी यहाँ पे रहम खाने वाला नहीं हूँ इन पे, भाई साहब लेके जाऊंगा सामने। यहाँ पे खतरनाक वाले मिसाइल्स लगे हैं, इनसे मैं डायरेक्टली उड़ा दूंगा। अगर इनके पास बिना ये हेलीकॉप्टर के जाऊंगा तो भाई वो कद्दू भी छोड़ेंगे नहीं। यहाँ पे मैंने डाल दिया है भाई साहब, पूरे निकल चुके हैं भाई, आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है। यहाँ पे हमारी जो हेलीकॉप्टर थी आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है भाई साहब। यहाँ से मेरे को लड़ना पड़ेगा भाई। भाई साहब ये बंदा मारने के लिए रेडी हो चुका था, इसको मैंने मार दिया है। अभी यहाँ पे ये एम कर रहा है, यहाँ पे मेरे को सरेंडर करने के लिए एम कर रहे थे, लेकिन मैं सरेंडर तो कद्दू भी करने वाला नहीं हूँ भाई। सरेंडर कौन करता है, कद्दू लेने गया सिलेंडर। यहाँ पे उठा चुका हूँ मैं बजूका, बजूका या क्या बोलते हैं इसको, जो भी है गन भाई ले चुका हूँ यहाँ पे। भाई इतनी तगड़ी पुलिस भाई, 3 स्टार की पुलिस लगी है मेरे पीछे भाई। यहाँ पे इतना मारा है ना मैंने, भाई साहब गलती से गिर गया यार। सो अभी यहाँ पे ना मैंने उठा लिया है मशीन गन। भाई साहब यहाँ पे लैम्बोर्गिनी खड़ी थी भाई, लैम्बोर्गिनी वोल्सवैगन की यहाँ पे पुलिस की गाड़ी। भाई मेरी हालत यहाँ पे ख़राब हो रही है भाई, मैंने कपड़ों के बिना आ चुका हूँ यहाँ पे। भाई साहब ढेर सारी गोलियाँ लग चुकी है, लेकिन अभी मेरे को यहाँ से भागना पड़ेगा। भाई साहब 5 स्टार की पुलिस है भाई, ये वाली गाड़ी लेके मैं यहाँ से भाग रहा हूँ और मेरी टायर फोड़ दिए भाई। ये अटक चुकी है, अभी ये आगे नहीं जा रही है भाई। अभी मैं वापस से इनको मारने वाला हूँ भाई, इनको मार के इन्हीं की गाड़ी लेके भागूंगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ से नहीं भागूंगा ना तो भाई ये ढेर कर देंगे इतनी सारी पुलिस भाई। यहाँ पे एक पुलिस की गाड़ी मिल चुकी है मेरे को, जिसमें डोर के नाम पे कद्दू भी नहीं है और यहाँ पे शीशे भी फूट चुके हैं भाई। मैं गाड़ी चलाने में एक्सपर्ट हूँ भाई, आपका भाई जो ही खतरनाक वाला गाड़ियाँ चलाता है ना भाई, बोनेट गया तेल लेने, बस मेरे को 4 पहिए हैं यहाँ, मतलब 4 टायर है बस, उतने में ही काम चल जाएगा, मैं भगाऊंगा गाड़ी भाई। यहाँ पे स्वैट आ चुकी है भाई, FBI आ चुकी है भाई। यहाँ पे जो ही खतरनाक वाला एक्सीडेंट होता है, कार का नाश पीट चुका हूँ भाई मैं। यहाँ पे ठोक चुके हैं ये FBI वाले, FBI वाले स्वैट वाले भाई, ये स्वैट वाले भाई इनका काम ही हुआ है, आके ठोक देते भाई। यहाँ पे दोबारा से मेरे को गन चेंज करना है, गन नहीं गाड़ी चेंज करना है, तो गाड़ी मैं यहाँ पे चेंज कर लेता हूँ भाई। यहाँ पे वापस से स्वैट वाले बीच में आ चुके हैं भाई। मेरे को ना वहाँ पे एक दो गाड़ियों को उठा के संभाल के रखना था भाई, मेरे को पूरों को नहीं फोड़ना था मेरे को भाई। यहाँ पे ये गाड़ी एकदम नेक्स्ट लेवल वाली चल रही थी, लेकिन लेकिन मेरे दिमाग में खुरापति आइडिया आता है। मैं सोचता हूँ कि भाई यहाँ से उड़ा दूंगा, सही से जाके लैंडिंग हो जाएगी। लास्ट मोमेंट में वो जो बंदा आता है ना भाई, बाजू आके टच करता है, उसकी वजह से यहाँ पे मेरी गाड़ी जो है ब्लास्ट हो चुकी है, सही से जाके लैंडिंग नहीं हुई है। मेरे को यहाँ पे पता है कि यहाँ पे एक हेलीकॉप्टर का एक जो भी है ना वो रेंट को मिलता है, वो मिलता है, तो इसलिए मैं यहाँ पे भाग के आ चुका हूँ भाई साहब। यहाँ से अभी मेरे को लेके भागना पड़ेगा, एक कोई तो हेलीकॉप्टर लेके भागना पड़ेगा, वरना कद्दू भी नहीं बच सकता मैं यहाँ पे। मेरे को नहीं पता कि भाई वो लोग वहाँ पे क्या कर रहे हैं, मेरे दोस्त लोग और मेरा भाई। भाई इस हेलीकॉप्टर को भी ये लोग यहाँ पे फोड़ रहे हैं भाई, इसमें धुआं आ चुका है ऑलरेडी।
आई डोंट नो कि इसमें एक्चुअली धुआं आता है या नहीं, मतलब वो जो भी स्मोक आता है वो, लेकिन भाई सच में बहुत ही गंदा वाला। यहाँ पे मैं अटकते अटकते बच चुका हूँ भाई हेलीकॉप्टर का। आई डोंट नो कि ये चलेगा या नहीं, क्योंकि यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये स्पीड कम कर रही है और ज़्यादा कर रही है भाई, बार बार ऑफ हो रहा है भाई ये हेलीकॉप्टर। बहुत दूर आ चुका हूँ लेकिन अभी भी हेलीकॉप्टर के जो पुलिस है ना मेरे पीछे ही पड़ी है भाई। और ये हेलीकॉप्टर के बस की बात नहीं कि मैं और आगे लेके जाऊँ, यहाँ पे मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन है कि भाई मैं यहाँ से जंप कर दूंगा और जंप करके यहाँ पे कहीं से तो निकल जाऊँगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पे जंप करके मेरे पैराशूट ओपन कर चुका हूँ, हेलीकॉप्टर आउट ऑफ कंट्रोल होके जाके वो वहाँ पे ब्लास्ट हो चुकी है। इतना साउंड आया है ना ब्लास्ट होने का, भाई नीचे पुलिस है भाई, उनको लगता है कि भाई यहाँ पे मैं उसके नीचे था, और वो पुलिस नहीं पता कि उनको कि मैं उसके अंदर नहीं था और मैं यहाँ पे जंप कर चुका हूँ। भाई ये वाली जो कमरा है ना यहाँ पे जाके मैं छुप जाऊँगा, क्योंकि एक ही ऑप्शन है यहाँ से बचने का। अभी यहाँ से ना मेरा दोस्त है वो संभालेगा भाई। यहाँ से अभी जो भी थे ना गाड़ियाँ वगैरह, वो जो भी बंदा था उसको लेके जा चुके हैं। अभी यहाँ से मैं और फ्रैंकलिन जाने वाले हैं इनके पीछे। वहाँ पे हमारा दोस्त यानी कि पठान ने पूरा काम कर चुका है, तो अभी यहाँ से ना हम दोनों को पूरा काम करना है। जो बंदे को लेके जा रहे हैं ना ये लोग, उसको बीच रास्ते में मारना पड़ेगा। भाई साहब मेरे को नहीं पता कि क्या चल रहा है क्या नहीं, और ये गलती से यहाँ पे मैं ठोक देता हूँ, क्योंकि स्पीड इतनी है ना भाई, ये थोड़ा सा रेस दो, इतना फास्ट जाती है, इतना फास्ट जाती है भाई। यहाँ से ना ऑलरेडी वो जो भी गाड़ियाँ वगैरह थे वो जा चुकी है भाई, थोड़े गाड़ियाँ यहाँ से थे अभी इस वाले जो भी है ना यहीं पे रुके हुए थे, तो हम लोग इसका पीछे साथ में जा रहे हैं। इनको नहीं पता कि हम लोग भी आ रहे हैं, उनको लग रहा है कि मैं यहाँ पे इनके पीछे इनकी हेल्प करने के लिए आ रहा हूँ। यहाँ पे ऑलरेडी पता चल चुका है भाई सबको, क्योंकि वहाँ पे हमारा दोस्त जो है पठान पूरा का पूरा बंद लगा चुका है, तो इसलिए इनको पता चल चुका है। तो अभी मेरे पीछे भी यहाँ पे 3 स्टार की पुलिस लग चुकी है, लेकिन अच्छी बात यह है कि वो अभी यहाँ से निकल चुके हैं, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी बहुत ही खतरनाक वाला धमाका हो चुका है। अभी मेरे को लगता है कि ये लोग ना भाई वो वाले रास्ते पे नहीं जा रहे हैं, ये कहीं और पे जा रहे हैं भाई। मेरे को लगता है कि ना ये लोग लेके जा रहे हैं वापस से मिलिट्री बेस या तो जेल को, वो जो बड़ी जेल है ना वहाँ पे लेके जा रहे हैं, क्योंकि इन्होंने रास्ता बदल चुके हैं भाई। अभी मेरे पास एक ही ऑप्शन है भाई, इनको मारना है। मेरे को नहीं पता कि भाई मैं इतनी टक्कर क्यों मार रहा हूँ इस वाली कार से, भाई भागना भी इसी गाड़ियों से भाई। आई डोंट नो कि मैं कैसे करूँगा क्या करूँगा, लेकिन यहाँ से अगर इस बंदे को ना मारा ना हमने, भाई पूरी की पूरी ज़िंदगी हम लोगों को जेल में बितानी पड़ेगी। वो अलग बात है कि हम लोग ऐसे तैसे करके छुटके भी आ सकते हैं, लेकिन तब तक के लिए हम लोगों को जेल में रुकना पड़ेगा। भाई थोड़ा सा आगे आ चुका हूँ लेकिन वो गाड़ियाँ नहीं आ रही हैं भाई। मेरे को नहीं पता कि वो लोग कहाँ पे हैं भाई, मेरे को लगता है कि उनको पता चल चुका है भाई हम लोग यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं। भाई ये लोग कहाँ पे गए मेरे को नहीं पता भाई, मैं शॉर्टकट मारता हूँ यहाँ पे भाई, देखता हूँ कि यहाँ से कहीं पे गए होंगे, क्योंकि वहाँ पे कोई रास्ता नहीं है, यही एक शॉर्टकट है यहाँ से जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई भी मेरे को मार्क्स नहीं दिख रहे हैं भाई। ओ भाई ये लोग यहाँ पे है भाई साहब, ये लोग यहाँ पे है भाई, क्या कर रहे हैं ये लोग यहाँ पे, मेरे को नहीं पता भाई। भाई ये डेविन किसका तो घर है भाई ये, भाई इनको अभी भी नहीं पता लगा शायद से कि ये हम लोग फेक पुलिस वाले हैं भाई। मैंने निकाला यहाँ से बजूका, रात हो चुकी है भाई, रात होने का वेट किया, जैसे ही रात हुआ भाई मैंने बजाना शुरू कर दिया भाई। यहाँ से अगर मैं नहीं मारूंगा ना तो ये लोग कद्दू भी मेरे को यहाँ से नहीं छोड़ सकते भाई। इस वाले कार में ही था वो, कार में नहीं उस वाले ट्रक में अंदर था वो भाई। यहाँ से अभी हम लोगों को भागना पड़ेगा, क्योंकि एक यहाँ से कार भाग चुकी है, एक यहाँ से पुलिस की कार जो है लैम्बर्गिनी अवेंटाडर भाग चुकी है, और वो इन्फॉर्म कर चुकी है 5 स्टार की पुलिस हम लोगों के पीछे पड़ चुकी है भाई।
मेरे को नहीं पता कि मैं यहाँ से कैसे भागूंगा। कार की भाई वांदे लग चुके हैं, ये भी कार की भाई आ चुकी है पुलिस यहाँ पे। और मेरी जो पुलिस की गाड़ी है उसके अंदर हेडलाइट्स नहीं है, क्योंकि मैं वहाँ पे झाड़ पे जाकर ठोका था ना, तो उसकी वजह से यहाँ पे पूरे के पूरे हेडलाइट्स जा चुके हैं। भाई मेरे को क्या करना है क्या नहीं, मेरे को कद्दू भी समझ में नहीं आ रहा है। भाई भाई एक ही एक ऑप्शन है अभी मेरे पास कि भाई शॉर्टकट माउंटेन्स पे चले जाओ। भाई मेरे को कद्दू भी कुछ नहीं दिखाई दे रहा, भाई सामने क्या हो रहा है, बस मैं गाड़ी चलाते जा रहा हूँ। भाई मैं इतना दूर आ चुका हूँ ना गाड़ी चलाते चलाते, भाई सच में मेरे को आगे का कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था और मैं कहीं पे तो आ चुका हूँ यहाँ पे। भाई साहब ये माउंट के ऊपर कोई तो यहाँ पे घर है, मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। आई डोंट नो यहाँ से मैं बच पाऊँगा या नहीं, क्योंकि पूरी लास्ट सेंटोस की पुलिस हमारे पीछे पड़ी है। भाई यहाँ पे जो भी था भाई साहब अब इनको मारना पड़ेगा। कद्दू भी यहाँ पे हम लोग नहीं पीछे हट सकते, तो अभी यहाँ पे ढेर सारे कार्स थे उनको मार चुका हूँ। ये हेलीकॉप्टर को भी मारना पड़ेगा मेरे को। भाई लेस्टर ने ना हम लोगों को जाने से पहले ढेर सारे एमो और गन्स वगैरह सब कुछ दे दिए थे, इसलिए हमारे पास ना ढेर सारे एमो और बजूका चलाने के लिए हमारे पास बजूका सब है। आरपीजी, बजूका बोल नहीं सकता इसको, आरपीजी। भाई ये जो हमारा टेक्टो गेमर है पीछे इस बंदे को मारने में लगा है, जो कि हेलीकॉप्टर में यहाँ पे सिग्नल दे रहे हैं। इतने शॉट मिस करने के बाद मैं इसको फाइनली मार चुका हूँ। भाई यहाँ पे आते ही जा रहे हैं भाई अंधाधुन। थोड़ा सा मैं आगे जाके देखता हूँ कि भाई यहाँ पे अभी कम हुए या नहीं, क्योंकि पीछे मेरे को आवाज़ आ रही है यहाँ पे पुलिस है। भाई यहाँ पे मैं थोड़ा सा मार चुका हूँ एक दो गन्स लेके। भाई अभी मेरे को यहाँ से भागना पड़ेगा भाई, और कोई ऑप्शन नहीं है, और कार इतनी भी अच्छी नहीं है कि मैं इनसे यहाँ से भगा पाऊँगा। मेरे को यहाँ से थोड़ा सा आगे जाना है, क्योंकि एज पर प्लान अगर फेल होता है तो हम लोगों को यहीं पे मिलने का एक प्लान बनाए थे, वहाँ पे जाना पड़ेगा। लेकिन लेकिन अभी मेरे को लगता है कि वहाँ तक जाने के लिए हमारी कार अच्छी नहीं है, सो अभी मैं थोड़ा सा आगे आता हूँ। सो बहुत टाइम के बाद यहाँ पे भाई साहब पुलिस जा चुके, क्यों गई है मेरे को भी नहीं पता। भाई जा चुकी है पुलिस यहाँ पे फाइनली। अभी मेरे को यहाँ से ना जाना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है हम लोगों को यहाँ से भागने के अलावा, और कहाँ पे भागना है मेरे को नहीं पता। अगर पुलिस वालों की कार लेके जाऊँ उनके सेंसर से पता चलेगा कि भाई उनकी कार कहाँ पे है, और ऑफ ड्यूटी कहीं पे कार हो तो वो इजीली ट्रैक कर सकते हैं। अभी मेरे को यहाँ पे लेस्टर को कॉल करना पड़ेगा, और कॉल करके वही एक बंदा है जो मदद कर सकता है हम लोगों को अभी। सो अभी मैं लेस्टर को कॉल करके पूरा का पूरा जो भी हुआ यहाँ पे बोल देता हूँ, क्योंकि वो ही एक खतरनाक वाला मास्टरमाइंड है भाई, ये जो पूरा प्लान के पीछे है। अभी मेरे को यहाँ से जाना है, लेकिन मेरे पास ना लाइट के नाम पे कद्दू भी नहीं है यहाँ पे, और इसलिए मैं इतनी बार यहाँ पे डैश मार रहा हूँ। लेस्टर ने मेरे को एक लोकेशन दिया है, मेरे को वहाँ पे जाना है। अभी वहाँ पे जाएंगे, लेस्टर आएगा, और लेस्टर आके हम लोगों को बचा के लेके जाएगा। भाई मेरे को नहीं पता कि वो कहाँ पे लेके जाएगा। हम लोग वहाँ से भाई कैसे तरह से करके हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे। सो देखते हैं भाई हमारा लेस्टर जो है वो क्या करेगा क्या नहीं करेगा, क्योंकि मेरे को नहीं पता कि भाई आगे जाके क्या होने वाला है। तो यार बस आज के लिए इतना ही है। आपको क्या लगता है भाई क्या होगा आगे, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। बाय बाय।